एफसीआई में नौकरी का झांसा देकर ओएनजीसी कार्यरत अफसर की बीवी ने बेटी के साथ मिलकर दो युवकों से 12 लाख की ठगी कर दी। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए बताया है कि कोलागंज में रहने वाले भारतीय अधिकारी ने गड़ी कैंट में रहने वाले नितेश कुमार को विश्वास दिलाया कि उसके पति ओएनजीसी में अफसर हैं जो आपकी नौकरी लगवा देंगे। भारतीय अधिकारी ने कई फर्जी नियुक्ति पत्र दिखाकर विश्वास में लेकर भारतीय अधिकारी ने अलग तरीकों में नितेश कुमार से 8 लाख रुपए लिए। ऐसे ही नितेश कुमार के दोस्त से 4 लाख रुपए ठग लिए। काफी समय बीत जाने पर नौकरी ना लगने पर पैसे मांगने पर इनकार करने पर नितेश कुमार ने गड़ी कैंट थाने पर रिपोर्ट दर्ज करवा दी और न्याय दिलाने की मांग की। पीड़ित परिवार का कहना है कि ऐसे बहुत से लोगों से अधिकारी दंपत्ति परिवार ने लोगों से ठगी को अंजाम दिया है। जब संवाददाता ने अधिकारी दंपत्ति से संपर्क करने का प्रयास किया तो कॉलोनी निवासी ने बताया कि अधिकारी दंपत्ति 1 साल से नहीं है, कुछ का कहना था कि फरार हो गए हैं और अपने पति के साथ रहती है। सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम नितेश कुमार। नितेश जी क्या मामला है ये आपका? जी हम ये भारतीय अधिकारी नामक लेडी हैं, इनके इन्होंने अपने पति के कहने पे, शोमिंदर अधिकारी के कहने पे हमें आश्वासन दिया कि आपका फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में आपकी नौकरी आपको कार्यरत करा देंगे। और इन्होंने कई व्यक्तियों के नियुक्ति पत्र हमें अपने फ़ोन में दिखाए, हमें पूरा सेटिस्फाइड किया कि हम आपको जेन्युइनली जॉब करवाएंगे। इन्होंने हमसे स्टार्टिंग में 1.5 लाख रुपए लिए और ये बोला कि आपका ये बाद में रिफंडेबल है। ये कब की बात है? ये 2019 एंड की बात है। ठीक है। उसके बाद इन्होंने हमसे धीरे धीरे करके और पैसे लिए कि आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है, अब आपका ये फॉर्म फिलअप होना है। कुल कितने पैसे दिए आपने? कुल मिला के हमसे टोटल 8.5 लाख रुपए इन्होंने हमसे ले लिए। उसके बाद भी ये टालम टोली करते रहे कि आपकी जॉब लग जाएगी। और फिर इनसे तंग आकर फिर हमने 30 जून को इनके खिलाफ FIR दर्ज करा दी। इतना टाइम आप किसी का इंतजार करते रहे कि जो आपको इतना टाइम लग गया इनसे FIR दर्ज करने में? बार बार आश्वासन देते थे, इन्होंने फेक हमें डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करवाए। जब हम उस कार्यालय में पहुंचे तो वहां पता चला कि ये सब फेक है। सर आपका शुभ नाम? अमित कुमार। अमित जी आपके साथ क्या घटना घटी है? इन लोगों ने हमें बताया कि नौकरी निकली है, वैकेंसी निकली है कि हम नौकरी का करवा देंगे। कहाँ पर निकली वैकेंसी? इन लोगों ने हमें बताया था कि ऐसे ऐसे करके PRD PWD में ऐसा करके इन्होंने बोला है हमें, तो हमसे भी इन्होंने झांसा देके पैसे करवाए हैं। इन्होंने बोला कि नौकरी आपकी लग जाएगी ये वो। इन्होंने भी हमारे साथ वही करा है जो इनके साथ करा है। लॉकडाउन को लेकर इन्होंने बहुत हमें झांसा दिया है, इन्होंने हमसे भी पैसे लिए और इन्होंने बाद में बोला है कि इतनी तारीख को हो जाएगा, पर वो हुआ नहीं वो काम हमारा। जब आपने इन लोगों को पैसे दिए तो आपने कोई छानबीन नहीं करी इसके बारे में? छानबीन करी थी हमने, बहुत प्रयास कराए इन चीज़ों का, पर बाद में इन्होंने हमें दिलासा दे दे के इन्होंने आज इस लेवल पे आ गए हम लोग कि हम लोगों ने ये कार्रवाई करने की इन्होंने मजबूर कर दिया हमें। अभी आप क्या चाहते हैं इसमें? हम चाहते हैं कि जो भी कार्रवाई जल्द से जल्द करी जाए और जो है कि इसे हमें न्याय मिले। जी सर हम ये चाहते हैं कि इससे कार्रवाई उचित से उचित किया जाए, ये आगे किसी के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करे। प्रशासन से मैं यही निवेदन करता हूं कि उचित से उचित कार्रवाई की जाए ताकि आगे किसी के भविष्य या समय नष्ट ना हो और जो भी हमारा जो दिया हुआ पैसा है, धनराशि है, वो हमें वापस मिल जाए। जी मैं आप क्या बोलना चाहेंगे इसके बारे में? मैं ये बोलना चाहूंगी भारतीय अधिकारी ने हमारे साथ बहुत फ्रॉड किया है और मेरे पति भी इसके टेंशन में चले गए, उन्हें हार्ट अटैक आ गया। वो बहुत टेंशन में थे कि आज लगा रही नौकरी, कल लगा रही नौकरी, उसी टेंशन में वो भी चले गए। बस मैं ये चाहती कि हमारा जैसे जैसे ही हमारा पैसा मिल जाए। आप क्या चाहेंगे मैडम इसके बारे में, क्या कुछ आज कुछ बोलना चाहेंगे इसके बारे में? मैं भी यही बोलना चाहूंगी कि भारती ने हमारे संग धोखाधड़ी करी है और वो कई बार आई भी है घर पे, हमें यही बोला आपके बच्चे की नौकरी लग जाएगी, ये लग जाएगा, वो हो जाएगा। और जब उसको मिलने भी हम 2-4 दफे घर गए तो उसके घर पे भी ताला मिला हमें। हमने कैसे कैसे करके गरीब आदमियों ने पैसा जोड़ के अपने बच्चों के लिए दिया, लेकिन हमें 1 रुपया तक नहीं अभी उसने दिखाया। दिखाने के तो बहुत दूर की बात है सर, वो तो शक्ल भी नहीं उसकी देखने को मिली है।